ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे खिलौने वाला के प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं। प्रश्न एक, कविता में तरह तरह की चीजें कौन लेकर आया? उत्तर है, कविता में तरह तरह के खिलौने लेकर खिलौने वाला आया है। दूसरा प्रश्न, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है? उत्तर, खिलौने वाला तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा, थाली, धनुष बाण, तलवार आदि खिलौने लेकर आया है। प्रश्न तीन है, कविता में मोटर गाड़ी और रेल किस तरह से चलने वाली हैं? उत्तर, कविता में मोटर गाड़ी सरसर तथा रेल चाबी भरकर भग भग करके चलने वाली है। प्रश्न चार है, कविता में गुड़िया ने कौन सा गहना पहना है? उत्तर, कविता में गुड़िया ने कानों में बाली पहनी है। प्रश्न पांच, खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा है? उत्तर, खिलौने वाला नए खिलौने ले लो भैया पुकार रहा है। छठा प्रश्न, मुन्नू और मोहन ने कौन से खिलौने लिए? उत्तर, मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी ली। प्रश्न सात, सरला माँ से क्या लेने को कह रही है? उत्तर, सरला माँ से साड़ी लेने को कह रही है। प्रश्न आठ, क्या खिलौने वाले के पास सरला को साड़ी मिली होगी? उत्तर, नहीं, खिलौने वाला तो सिर्फ खिलौने बेचता है, उसे साड़ी नहीं मिली होगी। प्रश्न नौ, कविता में बच्चा कौन से खिलौने लेना चाहता है? उत्तर, कविता में बच्चा तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता है। प्रश्न दस, बच्चा तलवार और तीर कमान क्यों खरीदना चाहता है? उत्तर, ऋषि मुनि यज्ञ कर सके इसलिए वह श्री राम की तरह असुरों को मारना चाहता है। प्रश्न 11, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिले ही होंगे। क, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? उत्तर, हाँ, मुझे रूठने के बहुत मौके मिलते हैं। जब मम्मी मुझे सुबह थोड़ी ज़्यादा देर नहीं सोने देती, जब मुझे थोड़ी अधिक देर खेलने नहीं देती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें नहीं देती, जब मुझे डांट पड़ती है, कई बार मेरे भाई बहन या दोस्त बिना पूछे मेरी चीज़ें ले लेते हैं, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। एक और बात मज़ेदार है, जब मेरे दोस्त खेलते हुए मेरी बात नहीं मानते, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। का, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? उत्तर, घर में मेरी माँ के अलावा मुझे दादाजी, दादी जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी और भाई बहन मनाते हैं। प्रश्न 12, तुमने रामलीला के जरिए या किसी और कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है? उत्तर, श्री रामचंद्र आज्ञाकारी थे, वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए थे। अपने भाई भरत के राजा बनने से जो वो विचलित नहीं हुए, सहनशील बने रहे। उनकी दयालुता का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने शबरी के झूठे भेर भी खा लिए, वह एक सत्यप्रिय राजा थे। मुझे उनकी ये सभी बातें अच्छी लगती हैं। प्रश्न 13, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। उत्तर, दशहरा। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्यौहार है। होली। राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा था, लोगों से भगवान की तरह अपनी पूजा करवाने लगा था। इस राजा का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। उसने अपने पिता का कहना नहीं माना। बेटे से नाराज़ उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया।
उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। जब उसने ऐसा किया तो प्रहलाद लगातार भगवान विष्णु जी का नाम लेता रहा और वह बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होलिका की हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है, इसलिए भारत के कुछ राज्यों में होली में बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है और होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न 14। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उसका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उनका एक संग्रह तैयार करो। उत्तर, हाँ, मैंने फेरी वालों को आवाज़ लगाते सुना है। अलग अलग सामान बेचने वाले अलग अलग तरह से आवाज़ लगाते हैं। एकदम से पहचान हो जाती है कि कौन आया होगा। सब्जी वाला, लाल गाजर, सफ़ेद मूली, बिल्कुल ताज़ी, आओ सब ले लो जी। फल वाला आया है, ताज़े ताज़े फल लाया है। लाल हाला सेब मेरे, मीठे मीठे अनार हैं, सब मिलकर खाओ, कभी ना होगे बीमार। कपड़े वाला, शालें सूट ले लो, सस्ते बढ़िया और टिकाऊ ले लो। गलीचे वाला, नरम गरम गलीचे कश्मीरी ले लो, एक बार लोगे हर बार लोगे गलीचे। मरम्मत वाला, कुकर स्टोव गैस इस्त्री चूल्हे ठीक करा लो। कबाड़ी वाला, रद्दी अखबार कापियां किताबें। बर्तन वाला, थाली कड़छी पतीला ले लो, बढ़िया स्टील सैलून सालों साल चलेगा। प्रश्न 15 का, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? गेंद, इन खिलौनों में से मैं गेंद लेना पसंद करूँगी, क्योंकि गेंद से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ी होकर क्रिकेट खेलूँगी। रेलगाड़ी, इन खिलौनों में से मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूँगी, मुझे रेलगाड़ी पसंद है, यहाँ पहाड़ों में छुक छुक करके चलती है। बर्तन सेट, मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, इन खिलौनों से मैं तो बर्तन सेट ही लूँगी और उनमें स्वादिष्ट खाना बनाऊँगी। हवाई जहाज़, इन खिलौनों में से मैं हवाई जहाज़ लेना पसंद करूँगा, मुझे उड़ाना पसंद है, एक दिन मैं पायलट बनूँगा। तो इनमें से आप कोई भी खिलौना लेकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 16, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर, मैं अपने साथियों के साथ पिट्ठू, चिप्पी, क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम, सांप सीढ़ी, लूडो और बैडमिंटन आदि खेलती हूँ। तो इसी के साथ आपके प्रश्नोत्तर समाप्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।